हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जनवरी करंट अफेयर मध्य प्रदेश का शुरू कर रहे हैं हम यहां से। यहां से आपको जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का लगातार एक सीरीज है, जिससे आपका 2022 मध्य प्रदेश करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी करंट अफेयर में, और वैसे भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के अंदर जो फैक्ट है सीधे सीधे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछते भी नहीं है मध्य प्रदेश करंट अफेयर से, ठीक है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही याद करने का ट्राई करें, और मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम उसी को देखेंगे। करंट अफेयर में कई बार कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं जिस पर हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन वो सब नहीं आएगा। जो एक एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया ये सेट है, तो इस पर फॉलो कर सकते हो आप इसको। इसके अंदर आपका मतलब काम हो जाएगा, इसके अलावा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर को शुरू करते हैं इस क्लास के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कहां पर देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बिरसियपुर, पीतमपुर, विजयपुर और तारामंडल। सही जो आंसर है वो है इसका आंसर विजयपुर। विजयपुर गुना में जो स्थित है वहां पर मध्य प्रदेश में देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा है, जो कि 10 मेगावाट का होने वाला है। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट गुना विजयपुर, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है, प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस पार्क बनने वाला है उज्जैन में। यहाँ पर ध्यान देना, केंद्र सरकार की योजना है जिसके चलते वो हर शहर में एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। अभी कोरोना काल में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन के सिलेंडर, मास्क, इन सबको लेकर काफ़ी समस्याएं रही थी। उन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, जिसके चलते हमारे मध्य प्रदेश का पहला जो मेडिकल पार्क है वो बनने वाला है उज्जैन में। तो मेडिकल पार्क या मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर ने अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है? अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आंगनवाड़ी होती है उसे गोद लिया जाता है, तथा आंगनवाड़ी की गरीबी गतिविधियां जो भी है उसमें सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी का अर्थ क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आंगनवाड़ी के जो भी कार्य उसमें मदद करना, बच्चे वगैरह के जो भी टीके वगैरह उसमें मदद करना, खान पान या पोषण से संबंधित जो भी योजना है उसमें मदद करना, इन सभी में आप हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली और अलग तरीके से। तो ये है आपका अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कहाँ पर पहली NCC अकादमी स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए, पहली NCC अकादमी, सबसे पहले हमारे देश में दो NCC अकादमी ऑलरेडी है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, एक पंजाब में है, दूसरी छत्तीसगढ़ में। ये थर्ड है जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पहली पंजाब, दूसरी छत्तीसगढ़, तीसरी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की पहली, मध्य प्रदेश में पहली, और मध्य प्रदेश में पहली है भोपाल में जहाँ स्थापित की जाने वाली है। यहाँ पर गाँव का नाम याद रखना, भोपाल का गाँव है समझगढ़, भोपाल का एक गांव है समझगढ़, जहां पर NCC अकादमी की स्थापना की जाने वाली है, प्रदेश की पहली और देश की तीसरी, याद रखें। यहां पे NCC का ध्येय वाक्य दे रखा है एकता और अनुशासन, ये भी याद रख सकते हैं आप, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये आता है एग्जाम में कि NCC का ध्येय वाक्य क्या है, DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्येय वाक्य की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अटल कवि सम्मान से सम्मानित किया गया, अटल कवि सम्मान किसको दिया गया है? तो अटल कवि सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके नाम पर दिया जाता है, और जो दिया गया है वो है अशोक चक्रधर जी को, याद रहे अशोक चक्रधर जी को। तो ये याद रखे, 2021 ऐसा पूछेंगे कि अटल कवि सम्मान 2021 किसे दिया गया है? अशोक चक्रधर जी को, ठीक है। अटल कवि सम्मान 2021 जो दिया गया है वो है अशोक चक्रधर जी को। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के किस संग्रहालय में पहला नीम पार्क बना है? ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये एक प्रकार से स्टैटिक बन गए, मतलब आज से 5 साल बाद भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संग्रहालय में पहला नीम पार्क है, क्योंकि पहली बार तो जो हुआ वो तो स्टैटिक हो गया है। तो पहला नीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है भोपाल में? तो वो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है भोपाल, वहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का पहला नीम पार्क, नीम जो पौधा होता है उसके अलग अलग वेराइटी वगैरह यहाँ पर स्थित है, पहला नीम पार्क है जो भोपाल के मानव संग्रहालय में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मध्य प्रदेश के किस शहर की शेफाली भरत की पेंटिंग शामिल की गई है? शेफाली भरत जो है ये ब्यूटी पार्लर वगैरह से संबंधित महिला है, और इन्होंने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके माध्यम से पेंटिंग बनाया है, तो इसलिए इनका नाम रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, और यह है झाबुआ की, ध्यान देना, ऑप्शन 4 झाबुआ। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मध्य प्रदेश की किस शहर की शेफाली भरत की पेंटिंग को शामिल किया है? झाबुआ की, यही है शेफाली भरत जिनकी पेंटिंग को शामिल किया गया है, ध्यान देना सब लोग।
और इम्पोर्टेंट है, झाबुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 66वें राष्ट्रीय रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो 66 नंबर का रेलवे पुरस्कार दिया गया था हाल ही में, तो ये दिया गया है प्रोफेसर शमिका रवि, मनीषा कीर, श्री वरुण कपूर या दीप्ति शर्मा। ध्यान देना, राष्ट्रीय रेल पुरस्कार जो है ये केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो रेलवे में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये दिया गया इस साल दीप्ति शर्मा को। हमारे मध्य प्रदेश की है दीप्ति शर्मा, भोपाल की है, भोपाल की है दीप्ति शर्मा, जिन्हें दिया गया है। ध्यान देना, ये क्रिकेटर नहीं है, दीप्ति शर्मा नाम से क्रिकेटर भी बहुत फेमस भारत के क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, तो आधे लोगों को लगता है दीप्ति शर्मा शायद उन्हें दिया गया, लेकिन नहीं, ये दीप्ति शर्मा रेलवे में है और उन्हें दिया गया है बेटा। तो रेल मंत्रालय की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और राष्ट्रीय रेल पुरस्कार जो दिया गया है भोपाल की दीप्ति शर्मा को। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कर दिया है? मतलब कोई डिपार्टमेंट था हमारा जिसका नाम चेंज कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो आनंद विभाग, पर्यटन विभाग, अध्यात्म विभाग या सांस्कृतिक विभाग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग रख दिया है। इसका सही आंसर आएगा अध्यात्म विभाग। ध्यान देना, सीएम जो हमारे हैं उनकी अध्यक्षता में ये काम हुआ है और जो अध्यात्म विभाग है उसका नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग नाम रख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिवकन्या गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से? शिवकन्या गुप्ता मध्य प्रदेश से है, खिलाड़ी है, इनका संबंध किस गेम से है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीरंदाजी, घुड़सवारी, पावर लिफ्टिंग और बैडमिंटन। शिवकन्या गुप्ता का संबंध है पावर लिफ्टिंग से, सब लोग ध्यान देना। शिवकन्या गुप्ता तुर्की के इस्तांबुल में गई थी शिवकन्या गुप्ता, और वहां पर उन्होंने 8 पदक जीते बेटा, आप देख सकते हैं पदक कितने जीते, 8। तो इसलिए चर्चा में, देखो क्या होता है कि कोई बहुत सारे खिलाड़ी है जो प्रदेश की तरफ से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब कोई एक अलग से यूनिक सा परफॉर्म करता है, कुछ अलग हट के परफॉर्म करता है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। शिवकन्या गुप्ता ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रतियोगिताओं में, तो इसलिए इनका नाम चर्चा में है, पावर लिफ्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है? अब ये एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का जो स्थापना है वो किया जा रहा है सनावत खरगोन में, ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर इसका क्वेश्चन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, मैं समझाता हूँ। सनावत खरगोन, मध्य प्रदेश ने सनावत खरगोन जिले में 9 करोड़ ये इसके आसपास कुछ बनाया जा रहा है एग्रो बेस्ड फूड पार्क, जिसके चलते जो मेन फोकस होगा हमारा वो खाद्यान्न चीज़ों पर रहेगा, खाने पीने की फसलें उनसे संबंधित, एक प्रकार का मंडी टाइप होता है ये, जहाँ पर काफ़ी सारे गोडाउंस भी होते हैं, शॉप्स होते हैं और चीज़ें एक साथ बेची भी जाती है और खरीदी भी जाती है इस टाइप से। तो खरगोन सनावद में किया जाने वाला है ये प्रदेश का एग्रो बेस्ड फूड पार्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खाना बदोश जनजातियों पर समारोह आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? यहाँ पर आप देख सकते हैं देश का पहला, ये क्वेश्चन स्ट्रेटिक क्यों बन रहा है, देश का पहला है ये। खाना बदोश जनजाति वह जनजाति जो घूमती फिरती है, घुमक्कड़ होती है, लाइक तरीके से जिनके फिक्स घर नहीं होते, तो उस जनजाति की बात किया जा रही है, उनके लिए आयोजन किया गया कार्यक्रम, तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन को समझे, खाना बदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है पूरे देश में, और इसका नाम था लोकरंग महोत्सव, जिसके चलते इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, लोकरंग महोत्सव जो है उसके अंदर ही तीज को सेलिब्रेट किया गया। ठीक, घुमक्कड़ जनजाति या खाना बदोश जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? जिसे नहीं पता सब लोग ध्यान देना, सबसे पहले माधव नेशनल पार्क या माधव राष्ट्रीय उद्यान वो है शिवपुरी में बेटा, माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, माधव नेशनल पार्क या माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा, ये नया सेंचुरी की बात की जा रही है उसी नाम से, तो माधवराव सिंधिया सेंचुरी श्योपुर में बनाया जाएगा। क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आया होगा, कंफ्यूज करेगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और माधव अभ्यारण्य जो है आपका वो श्योपुर, तो माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में स्थापित है जहाँ पर इसको स्थेबल किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है ये क्षेत्र भी, याद रहे सबको, कूनो नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहाँ पर नामीबिया से लाए थे क्या चीते, याद है आपको, नामीबिया से चीते लाए गए थे हमारे भारत में, तो कूनो में ही रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत 12वीं में कितने प्रतिशत अंक लाने पर स्कॉलरशिप दी जाएगी? योजना का नाम है प्रतिभा किरण योजना, जिसके चलते 12वीं में कितने प्रतिशत अंक लाने पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो 60% इसका क्राइटेरिया है कि 60% के ऊपर अगर बच्चा लाता है या बालिका लाती है तो उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभा किरण योजना और गाँव की बेटी योजना लागू की रखी, जिसके चलते 12वीं में अगर 60% के ऊपर आते हैं तो सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है साल की, या फिर महीने की 500 रुपये मान के 10 महीने तक दी जाती तो भी
5,000 ही होगा। तो याद रखें गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना। अगला है आपका 60% इसका क्राइटेरिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को समझो, राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल लेवल पे वाटर ये जो अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया है? इंदौर इसका आंसर रहेगा। आपको बता दें वाटर प्लस बोला गया था, इंदौर को क्या कहा गया था बेटा इसके चलते, वाटर प्लस शहर, देश का पहला वाटर प्लस, क्या बोला है हम सब लोग ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई सालों तक आएगा कि देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर ही है, ठीक है, जिसने वाटर प्लस शहर का अवार्ड मिला है जिसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस गांव में हर घर में गोबर गैस प्लांट लगाया गया है? अब देखो ये गोबर गैस वाला जो पार्ट है उससे संबंधित है क्वेश्चन ये, मध्य प्रदेश के किस गांव में हर घर में गोबर गैस प्लांट लगाया गया है? भूमा गांव, बाचा गांव, कुंडेश्वर गांव और जैत गांव। मैं आप सबको बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे बच्चे बाचा गांव में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि बाचा गांव तो सोलर था, भूल गए आप सब लोग, बाचा गांव तो सोलर था, ये भूमा गांव है बेटा, भूमा गांव है, ध्यान देना। देखो भूमा गांव मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला जो है वहां का भूमा गांव है, जहां पर गोबर गैस, प्लांट लगाए गए हैं। ये गांव पूरी तरीके से रसोई गैस के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है, मतलब यहाँ पर जो गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह वो नहीं है, सभी लोग गोबर गैस के माध्यम से ही अपने ईंधन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं घर में। तो ये भूमा गांव कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। क्वेश्चन भूमा गांव से भी आ सकता है कि भूमा गांव जो है इस तरीके का गांव है कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है, ये सब भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के UDID कार्ड बनाने में देश के किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? सरकार की योजना थी कि जो हमारा आधार कार्ड टाइप जो कार्ड है जिसके चलते हम दिव्यांग जनों की पहचान कर सके, तो डिजेबल पीपल के लिए एक ऐसा कार्ड हो जिससे उनको ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े, एक कार्ड के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशन दे सके, डिजेबिलिटी वगैरह भी शो हो सके उस कार्ड में कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें करने वाला देश का पहला राज्य कौन है जिसने सबसे स्पीड में काम किया है? वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन को समझो, UDID कार्ड जो दिव्यांग जनों के लिए बनाया जाने वाला था उसमें पहला स्थान किसका रहा? तो मध्य प्रदेश का रहा, पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा, जिसके चलते दिव्यांग जन कहीं भी इलाज करवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनको जो भी लाभ है सरकार की तरफ से वो दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पूजा वस्त्रकार का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? चर्चित खिलाड़ी है तो पूजा वस्त्रकार क्रिकेट खेलती है, याद रहे सबको, शेडोल की खिलाड़ी है, बहुत फेमस है पूजा वस्त्रकार, बेटा शेडोल की है, क्रिकेट खेलती है, फेमस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान से लिखेगा, इंपॉर्टेंट है पूजा वस्त्रकार, शेड्यूल है और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने वाली, भारत की तरफ से खेला था वर्ल्ड कप, और पूजा वस्त्रकार सिलेक्ट होने वाली महिला खिलाड़ी है मध्य प्रदेश से, ठीक है, शेड्यूल की है बेटा, चर्चा में थी ये। अगला क्वेश्चन है, भवन विकास निगम का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात। भवन विकास निगम का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश, गुजरात। देखो भवन विकास निगम के अलग से एक हमारा डिपार्टमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, यहाँ पर ध्यान देना, मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट जो भी काम होंगे भवन निर्माण से संबंधित वो सभी अब ये डिपार्टमेंट करेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो अलग से छांटे गए, मतलब अलग से दिख रहे हैं कि ये एग्जाम में क्यों आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ वननेस, नाम क्या रखा है इसका? स्टेच्यू ऑफ वननेस, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखा बेटा हमने, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी देखा हमने, यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ वननेस, नाम समझो आप, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल की मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो हैदराबाद वाली मूर्ति याद करो, ठीक है, और यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है 108 फीट की जो कि अष्ट धातु से बनाई जाएगी, तो ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ओमकारेश्वर में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में अष्ट धातु से 108 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी और एकता की मूर्ति या स्टेच्यू ऑफ वननेस कहा गया है इसको, वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है और ये यहाँ पर, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है इसको, नाम याद रखना, स्टेच्यू ऑफ वननेस, ठीक है। चलिए तो 108 फीट की, 2,000 करोड़ रुपए इसके अंदर लागत आएगा, ठीक है, 108 फीट की याद रखना। ऊंचाई पूछेंगे, अभी लागत वगैरह नहीं आएगी एग्जाम में क्योंकि लागत तो बदल भी सकती है, लेकिन ऊंचाई 108 फीट टारगेट रखा है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा। जिज्ञासा राजपूत जो है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक
ठीक है, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी है, और भोपाल की, याद रखना, भोपाल के खिलाड़ी जिज्ञासा राजपूत, चर्चित खिलाड़ी जो होते हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, कि वो खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, दूसरा वो खिलाड़ी किस जिले से है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में घोषणा किया गया है किस जिले में सोयाबीन प्लांट बनाया जा रहा है, धार में। देखो आप तो खेरवास गांव, इसको अपने जो भी नोट्स आप बना रहे हो उसमें लिखना कि खेरवास गांव क्यों चर्चा में है, मतलब क्वेश्चन क्यों रहेगा, क्यों चर्चा में, खेरवास जो गांव है चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहां पर सोयाबीन प्लांट बनाया जा रहा है, ये इसलिए चर्चा में है। वैसे भी आप सबको याद होगा मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए फेमस है, ऐसे में खेरवास जो धार के अंतर्गत आता है सोयाबीन प्लांट बनाया जा रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, सोयाबीन प्लांट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, गणाचार्य विराग सागर महाराज को दुबई में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जो है उन्हें दुबई में पुरस्कार दिया है, आपको बताना कौन सा पुरस्कार, दुबई प्राइड, यूएई प्राइड, इंडिया प्राइड या हिंद गौरव। तो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज को दिया गया बेटा भारत गौरव पुरस्कार, दुबई में दिया गया है लेकिन नाम है भारत गौरव पुरस्कार, याद रहे। ये जो मुनि है हमारे, वे अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, साथ में वे बताते हैं कि शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब उनके द्वारा जो दिए गए अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं उसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इसी के लिए इनको दिया गया अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, याद रहे सबको। मुनि का संबंध भेंट से है, याद रहे, पूछ सकते हैं कि जो मुनि है इनका संबंध, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का संबंध किस जिले से है, तो भिंड से है। आप सबको याद होगा रजनीश जी के बारे में पूछते थे कि ओशो का संबंध किससे है, वैसे ही ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रणय खरे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। प्रणय खरे, काफी चर्चित खिलाड़ी है प्रणय खरे, और इनका संबंध है भोपाल से। देखो मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, घुड़सवारी खिलाड़ी है बेटा ये प्रणय खरे, और ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में क्योंकि इन्होंने लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। पहले देखो जो अंडर 19 खिलाड़ी होते हैं ना बेटा, उन्हें देते हैं एकलव्य, ठीक है, याद रखना, और जो अंडर 19 के ऊपर जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं उन्हें दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार। तो हमारे जो प्रणय खरे हैं उन्हें दोनों मिल चुका है, मतलब अंडर 19 के समय उन्हें एकलव्य भी मिला हुआ है और विक्रम खेल भी मिला हुआ है, तो ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जिन्हें दोनों अवार्ड मिलते हैं, तो प्रणय खरे चर्चा में, भोपाल के खिलाड़ी है, याद रहे सबको, मध्य प्रदेश के भोपाल के खिलाड़ी प्रणय खरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल दान कैंपस, डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। सारे लोग इसको अपने कॉपी में अलग से इंपॉर्टेंट करना। देखो हर महीने अगर मैं आपको कहूं कि जनवरी महीना है, समझना, और जनवरी महीने में अगर हम 20-25 वन लाइनर इस तरीके के याद कर लेते हैं तो हमारा काम हो रहा है। अगर आप एट द एंड देखेंगे तो 300 350 क्वेश्चन बनेंगे साल भर के, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है वो, हम बना लेते हैं, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी रहती है कि अरे बाप रे पूरा साल का करंट अफेयर है। लेकिन अगर आप समझे इस चीज की वैल्यू को, समझे कि केवल 30 35, एक महीने में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आपके लिए मध्य प्रदेश में, तो आप वो 30 35 की तरफ फोकस करो। यहाँ डिजिटल दान कैंपेन जो है बहुत ईजी है, देखो ये छिंदवाड़ा में शुरू हुआ था, अब देश का पहला है ये, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये देश का पहला है, क्या है इसके बारे में, देखो डिजिटल दान कैंपेन देश का पहला छिंदवाड़ा। इसके चलते आपको याद होगा कोरोना के समय से ही ये प्रॉब्लम चल रहा था कि एक तो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन और सबके पास में मोबाइल डिवाइस ना होना, तो ऐसे में डिजिटल दान का अर्थ है कि अगर आप चाहो तो अपने पुराने मोबाइल टैबलेट लैपटॉप आदि का दान कर सकते हो, अगर आप चाहो तो लोगों को इंटरनेट खरीदने के लिए पैसा या इंटरनेट उन्हें प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एक छोटी सी बस्ती है मान लो आपने अपनी तरफ से फ्री वाईफाई लगा दिया वहां पे कि सब लोग यूज करो, तो इस प्रकार का दान कर सकते हो। तो ये है छिंदवाड़ा जहां से शुरू किया गया है, ध्यान देना छिंदवाड़ा है भारत का पहला जिला जहां पर डिजिटल दान कैंपेन शुरू किया, इंडिया का पहला, ठीक है। अगला है इंदौर नगर निगम का एप्लीकेशन है जिसे ई गवर्नेंस अवार्ड दिया है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एमपीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एमपीपीएससी के अंदर यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 दोनों के लिए खास है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 311 इंदौर का नगर निगम एप्लीकेशन है 311, जिसके माध्यम से आप कोई भी कंप्लेन वगैरह रेस कर सकते हो सफाई वगैरह से संबंधित, साथ में और भी काम कर सकते हो, जैसे आप मृत्यु और विवाह आदि के प्रमाण पत्र वगैरह वो भी आराम से करवा सकते हो, इसमें प्रमाण पत्र वगैरह मिल सकते हैं। तो इसके चलते ही क्या दिया गया बेटा इसको, 311 एप्लीकेशन को ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ई गवर्नेंस अवार्ड के बाद अगला है, देश के सबसे बुजुर्ग मादा भालू जिसका डेथ हो गया, मादा भालू का नाम क्या था, देश की सबसे बुजुर्ग मादा भालू, तो इनका नाम था गुलाबो, ठीक है, याद रहे सबको, गुलाबो नाम था।
तो गुलाबो नाम था इस भालू का जिनका डेथ हो गया। देश की सबसे बुजुर्ग भालू थी, वन विहार भोपाल में स्थित थी। प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पर स्थित थी, तो वन विहार में थी, भोपाल में थी, नाम था गुलाबो। ठीक है, डेथ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड बनेगी। अब देखो, अभी तक हमारे वहाँ पे महिला गाइड थी बेटा, आपको याद होगा कान्हा किसली में थी, लेकिन कान्हा किसली में टाइगर रिजर्व क्षेत्र की तरफ नहीं थी। इस क्वेश्चन को समझे, कान्हा किसली में थी लेकिन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नहीं थी, टाइगर रिजर्व के अलावा कान्हा किसली में थी। यहाँ पर बात की जा रही है कि टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड कौन बनी है, तो आंसर आएगा रत्ना सिंह। क्वेश्चन को समझे, शहडोल की है रत्ना सिंह और उन्हें गाइड बनाया गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, पहली बार महिला गाइड टाइगर रिजर्व में। ठीक है, पहली बार महिला गाइड टाइगर रिजर्व में, नाम क्या है, रत्ना सिंह। क्वेश्चन को समझे, वरिष्ठ पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता का डेथ हो गया, इनका संबंध किससे है। प्रश्न सुनो क्या क्या आएगा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता का संबंध किस फील्ड से है, तो ये राजनीति, पहला प्रश्न ये आएगा। दूसरा है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो ये अशोकनगर। कई किताबों में आपको गुना मिलेगा बेटा, नहीं, गुना से अलग हो गया अशोकनगर, जिस क्षेत्र से लक्ष्मी नारायण गुप्ता आते हैं वो अशोकनगर में आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अशोकनगर, याद रहे। हाल ही में लक्ष्मी नारायण गुप्ता का डेथ हो गया और 103 साल की एज में डेथ हुआ, बहुत पुराने, ठीक है, विधानसभा के सदस्य थे। और आपको बता दें कि भारत छोड़ो में भी उन्होंने पार्ट लिया था, तो ये इनके बारे में खास है, क्रांतिकारी रहे हैं पुराने, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिनका डेथ हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बम बनाया जा रहा है। अब देश का सबसे बड़ा बम बनाया जा रहा है घोषणा कर दिया है, तो जबलपुर, रतलाम, भोपाल और सीहोर, तो इसका आंसर है जबलपुर। सबको आता होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, OF जो है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, वहां पे बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा बम, 500 किलोग्राम जो है उसके आसपास इसका कुछ जो विस्फोटक है रहेगा इसमें। अगर बात करें इस फैक्ट्री की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस जिले के शिल्पकार मुबारक खत्री, मुबारक खत्री को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है। सब लोग इस चीज को समझो, ये शिल्प पुरस्कार जो है पिछले 2-3 साल से हमारे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं इसमें अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 मुबारक खत्री को दिया गया है। वो किस जगह के हैं, तो वो भोपाल के हैं। फोटो देख सकते हैं, साड़ी के ऊपर वो एक अपना जो छाप रहे हैं, छापा जिसको बोलते हैं, वो छापा कर रहे हैं, तो आप याद रखें, तो इसलिए अवार्ड दिया गया, मुबारक खत्री इंडिया के हैं और भोपाल के हैं। ठीक है, बाग प्रिंट वगैरह जो है उसमें फेमस है, और वो छापा जिसको बोलते हैं उसके चलते इनको दिया गया, मुबारक खत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी देश के साथ में विदेशी भाषा के गाइड तैयार करेगी। अब समझो इस क्वेश्चन को कि क्या करने वाली है यूनिवर्सिटी बेटा, इस यूनिवर्सिटी में अलग 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 लैंग्वेज में लोगों को तैयार किया जाएगा, उन लैंग्वेज के माध्यम से जब विदेशी लोग हमारे भारत को घूमने आएंगे तो उनको उनकी लैंग्वेज में क्या मिलेगा, गाइड मिलेगा। तो देश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो क्या करने वाली है, विदेशी भाषा गाइड की एग्जाम या विदेशी भाषा गाइड में कोर्स करवा रही है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन जो है वो ऐसा काम कर रही है। क्वेश्चन को समझे कि विक्रम यूनिवर्सिटी जो उज्जैन है, वहां पर मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जहां पर क्या किया जाने वाला है बेटा, विदेशी भाषा में गाइड तैयार किया जा रहा है। ठीक है, विदेशी भाषा में गाइड तैयार किया जा रहा है, इसको समझा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग के कोच है रोशन लाल जिन्हें सम्मान किया गया है, कौन सा सम्मान दिया गया है, तो बॉक्सिंग कोच रोशन लाल को हाल ही में कौन सा दिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट में रख सकते हैं आप लोग, पर क्वेश्चन को समझे पहले क्या है, रोशन लाल कौन है ये समझे। रोशन लाल एक कोच है जो कि बॉक्सिंग सिखाते हैं, ये याद रखें। इन्हें हाल ही में तिवारी खेल सम्मान दिया गया है, वैसे विश्वामित्र मिल चुका है इनको, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट किया था मैंने, विश्वामित्र पहले मिला है, अभी नहीं मिला, पहले मिल चुका है, पर अभी हाल ही में क्या मिला है, तिवारी खेल सम्मान। देखो, तिवारी खेल सम्मान दिया गया भोपाल के, मध्य प्रदेश के चीफ कोच है रोशन लाल, इन्हें विश्वामित्र भी दिया जा चुका है पहले, तो इसलिए याद रखे। नाम क्या है बेटा इनका, रोशन लाल नाम दिया गया इनको, रोशन लाल, और इन्हें दिया गया सत्यनारायण तिवारी खेल पुरस्कार, सत्यनारायण तिवारी खेल पुरस्कार दिया गया, बॉक्सिंग के कोच हमारे। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बाहुबली की 13.5 फीट की ऊंची प्रतिमा हाल ही में कहाँ लगाई गई है। अब देखो, भगवान बाहुबली की प्रतिमा कहाँ है ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, आएगा भगवान बाहुबली की 13.5 फीट की मूर्ति, क्योंकि भगवान बाहुबली की ऑलरेडी बहुत सारी मूर्ति हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ 13.5 फीट की जो लगाई गई है हाल ही में वो चर्चा में है, वो है विदिशा में। क्वेश्चन को समझे, अलग ही आपको दिखेंगे आंसर, विदिशा में मूर्ति है जो लगाई गई है 13.5 फीट की, ठीक है, भगवान बाहुबली की, याद रहे सबको। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, हो गया आपके ये जनवरी के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए।
अब यहाँ पर जो याद रखने वाला फैक्ट है वो ये है कि क्विक रिकैप आप लोग जरूर करें, जैसे जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार क्विक वे में सारी क्लास को जल्दी से देख लेंगे, तो उससे पता चलेगा कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, देखो, एक तो देखा था सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर, ठीक है, गुना। दूसरा देखा था मेडिकल डिवाइस पार्क, तो उज्जैन, ठीक बताया था मैंने। तीसरा एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसके बाद एनसीसी अकादमी की स्थापना के बारे में बताया था मैंने, भोपाल में हो रही है, समसगढ़ गांव में, ये मत भूलना। अटल कवि सम्मान की बात करें, अशोक चक्रधर, ठीक है, 2021। इसके बाद में भोपाल के किस संग्रहालय में पहला नीम पार्क बनाया जाएगा, तो मानव संग्रहालय में नीम पार्क, नीम के पौधे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शेफाली भरत, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, पार्लर के जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से कॉस्मेटिक्स से बनाई थी पेंटिंग, झाबुआ। इसके बाद 66वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मान दीप्ति शर्मा को दिया गया था रेलवे में। किस विभाग का नाम धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, तो अध्यात्म विभाग का नाम रख दिया है। शिव कन्या गुप्ता पावर लिफ्टर, याद करो। एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर सनावत खरगोन। इसके बाद खानाबदोश जनजाति की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद है माधवराव सिंधिया अभयारण्य, तो श्योपुर, ठीक है, मैंने बताया था शिवपुरी वाला, डाउट मत रखना दिमाग में। इसके बाद प्रतिभा किरण योजना में कितने प्रतिशत लाना होते हैं, तो 60% लाना होते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वह हमारे इंदौर को दिया गया है, जल वाटर प्लस, याद रखना। मध्य प्रदेश के किस गांव में हर घर में गोबर गैस प्लांट लगाया गया, भूमा गांव छिंदवाड़ा का, भूमा गांव के बाद में यूडीआईडी कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। दिव्यांग जनों के लिए पूजा वस्त्रकार शहडोल, जिनका जो सिलेक्शन है वो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में हुआ है। भवन विकास निर्माण गठन करने वाला, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसके बाद आदि शंकराचार्य जो है उनकी 108 फीट की ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ वननेस, ओमकारेश्वर में 108 फीट की मूर्ति है, ठीक। इसके बाद बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत का संबंध किससे है, तो बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत का संबंध है भोपाल से। इसके बाद हमने देखा था कि सोयाबीन प्लांट बनाया जा रहा है हाल ही में धार का गांव खेरवास, गांव मत बोलना खेरवास, ये गांव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है गणाचार्य विराग सागर महाराज को दुबई में पुरस्कार दिया गया, भारत गौरव अवार्ड दिया गया उन्हें, जो उनके द्वारा दी गई एक्टिविटी है स्वच्छता अभियान में कई लोगों को जोड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, अहिंसा, इन सब के लिए उनको भारत गौरव दिया है। जो गणाचार्य विराग सागर जी है उनका संबंध भिंड से है, भूलना नहीं है, प्रणय खरे तो भोपाल के हैं, ठीक है, घुड़सवारी। डिजिटल दान छिंदवाड़ा, अभी आपको याद आएगा डिजिटल दान। इसके बाद इंदौर नगर निगम का एप्लीकेशन जिसको सम्मानित किया है, तो वो है जिसको ई गवर्नेंस अवार्ड दिया है 311। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा था मादा भालू जिसका डेथ हो गया था भोपाल की गुलाबो, गुलाबो के बाद देखा था मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड कौन बनी, रत्ना सिंह, मैंने समझाया था कि कान्हा किसली से डिफरेंट कैसे, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है, कान्हा किसली के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में महिला गाइड नहीं थी, ये रत्ना सिंह टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता विधायक रह चुके हैं अशोकनगर, ठीक है, और हमारे क्रांतिकारी भी रह चुके हैं। देश का सबसे बड़ा बम कहाँ बनाया जा रहा है, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, इसका नाम याद रखें। साथ में ये भी याद रखें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1942 में हुई थी। शिल्पकार मुबारक खत्री जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया है, भोपाल के ही हैं, और ये जो पुरस्कार दिया गया है ये छापा वगैरह जो होता है बाघ प्रिंट जो है उसके चलते दिया गया है। किस यूनिवर्सिटी ने विदेशी गाइड, मैंने समझाया था विदेशी भाषा में इनको गाइड तैयार करेंगे और उसके चलते यहाँ पर जो गाइड वगैरह तैयार होंगे, कोर्स होगा तो विक्रम यूनिवर्सिटी में होगा। इसके बाद है बॉक्सिंग के कोच रोशन लाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, बॉक्सिंग के कोच है रोशन लाल जिन्हें सम्मानित किया गया, तिवारी खेल सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। अगला है भगवान बाहुबली की 13.5 फीट की जो ऊंची मूर्ति है कहाँ पर स्थापित की गई है, विदिशा में स्थापित की गई है, ठीक है, विदिशा में स्थापित की गई है भगवान बाहुबली की 13.5 फीट की मूर्ति, आप याद रखें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, जल्दी फरवरी का भी आ जाएगा सेशन, तो आप लगातार देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए करेंगे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।